पटना में होली के दिन खून की होली खेली गई। जनता दल यूनाइटेड के छात्र नेता कन्हैया कौशिक की हत्या के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपसी रंजिश के तहत कन्हैया कौशिक की हत्या किए जाने की बात सामने आई है। जेडीयू के छात्र नेता कन्हैया कौशिक की हत्या के मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। होली की शुभकामना देने वाले पोस्टर में नाम नहीं होने के कारण कन्हैया का विवाद हो गया। इस विवाद ने आखिर में खूनी मोड़ ले लिया, जिसमें कन्हैया को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल होली की शुभकामना देने के लिए छपवाए गए पोस्टर में नाम न देने के कारण कन्हैया कौशिक का कुश सिंह नामक युवक के साथ विवाद हो गया। इस विवाद में कुश सिंह ने कन्हैया की हत्या को वारदात को अंजाम दे दिया। होली के दिन ही कन्हैया को मुलाकात के लिए बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पोस्टर में नाम न देने से शुरू हुए इस विवाद के बीच होली के दिन कन्हैया कौशिक को मुलाकात के बहाने अपराधियों ने बुलाया, जहां अपराधियों ने कन्हैया पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस दौरान कन्हैया कौशिक को 5 गोलियां मारी गई, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। होली के दिन जेडीयू के युवा नेता कन्हैया कौशिक को गोली मारने की घटना को पटेल नगर में अंजाम दिया गया। बिहार में कन्हैया छात्र जेडीयू का पूर्व प्रदेश महासचिव रह चुका है। कन्हैया एएन कॉलेज छात्र संघ का उपाध्यक्ष भी रह चुका है। कन्हैया को गोली लग गया है, कन्हैया को गोली लग गया, कुछ मेरे सामने गोली मारा कन्हैया को। अब हम पास हॉस्पिटल लेके पहुंचे कन्हैया को, कन्हैया कुछ नहीं हुआ कन्हैया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.